हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। नाइट प्रेयर, पिता का धन्यवाद करेंगे जो पिता ने हम सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता का धन्यवाद करिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी पाप गलती गुनाह हुए हैं सब पिता के सामने मानेंगे, उन्हें रखेंगे, छोड़ेंगे, अंगीकार करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे जितना भी गंदा घिनौना नंगा पाप हो सब पिता से बताएंगे। यीशु मसीह ने कहा है मैं उन पापों को हिम की नाई उजला कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी को पिता की आज्ञाओं को मानना है, उस पर चलना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है, यीशु मसीह का वचन कहता है जो डाली मुझ में नहीं फलती मैं उसको काट डालता हूँ और जो फलती है उसको और छाटता हूँ ताकि वह और फले और फल लाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी को मसीह में फलवंत होना है, हम सभी को मसीह में फल लाना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता का धन्यवाद करिए जो पिता ने अब तक हम सभी को सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो पिता ने हम सभी को जीवित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, इसके लिए पिता का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप दुखों में, अगर आप समस्याओं में, अगर आप तकलीफों बीमारियों में ग्रस्त हैं तो पिता से बताएंगे और पिता हमें बीमारियों से आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें किसी मनुष्य के सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकताएँ नहीं है। हमें पिता के सामने रोने की आवश्यकताएँ हैं, गिड़गिड़ाने की आवश्यकताएँ हैं, और पिता हमारे दुखों को, वासों को पोष डालेगा। यीशु मसीह ठीक है, यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करता है, यीशु मसीह हम सभी से आँख की पुतली की तरह संभाल के रखता है, प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। पिता ने कहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रांतों को लास्ट तक सुनो, लास्ट में आमीन बोलकर रसीव करें। तो चलिए हम प्रांतों को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। मेरे प्रभु जो आपने मेरे प्रभु हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु मेरे पिता, कितने तो मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, संसारिक लोग होंगे मेरे पिता, जो बिना वचन के, जो बिना उद्धार के मर गए होंगे मेरे प्रभु, और वह एक ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे प्रभु जहाँ का धुआं युगांधर उड़ता रहता है मेरे प्रभु, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ की आग नहीं बुझती है मेरे प्रभु। मेरे पिता जो आपने हम सभी को मेरे प्रभु जीवितों के बीच में जीवित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, पवित्र मेरे प्रभु, जो भी हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे प्रभु, जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे पिता, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि पिता मनुष्य जाते हैं, मानव जाते हैं पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है मेरे पिता, वह पाप में गिर सकता है, गुनाहों में बिखर सकता है मेरे प्रभु। मेरे पिता आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता, आपने कहा जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी मेरे प्रभु। मेरे पिता आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्म को क्षमा करें मेरे पिता, आप ढाप दीजिए मेरे पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता हम सभी अपराधों के, अपराधों को मिटा डाल मेरे पिता। मेरे पिता अपनी प्रजा के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को मिटा डालिए मेरे प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु मेरे पिता, क्योंकि पिता आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। आपका लहू बहुत ही कीमती है मेरे स्वामी, आपने अपना लहू बहाकर मेरे पिता हम सभी के गुनाहों को माफ़ कर दिया मेरे पिता, पापों का बोझ मेरे पिता, बीमारियों का बोझ मेरे पिता आप अपने ऊपर ले लिए मेरे पिता, और आप क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए मेरे पिता। आपने हम सभी से इतना प्रेम किया मेरे पिता, आपका प्रेम बहुत बड़ा है मेरे स्वामी, इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं। यश, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता, आप सेनाओं के योमा हैं मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु पापा आपको दिया गया मेरे पिता, महान आश्चर्य काम करने ले मेरे पिता, मुर्दों को जिलाने ले, अंधों को दृष्टि देने ले, कोढ़िये पाइजों को शुद्ध करने ले मेरे यहोवा जुलावर मेरे पिता, आप मेरे प्रभु होने दे मेरे स्वामी। हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, जो बीमार है मेरे पिता, जो चाहे जितनी गंभीर घातक बीमारी में क्यों ना मेरे स्वामी, वो बीमारियाँ आपसे बड़ी कुछ नहीं मेरे स्वामी,
जो पिता हॉस्पिटल में बीमार है मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, किसी के पास प्रभु इतना पैसा नहीं है मेरे प्रभु कि अपना इलाज करा सके मेरे प्रभु, आप उन्हें छुए मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता वे ब्लेस हो जाए मेरे पिता, पवित्र आत्मा जी उन्हें छू लीजिए, यू टच भी पवित्र आत्मा जी, वे ब्लेस हो जाए अपनी बीमारियों से मेरे पिता, वे आजाद हो जाए मेरे प्रभु। आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारा लिखूंगा, ये सुपिता आपके नाम से मांगते मेरे प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे स्वामी, मेरे पिता ये चंगे हो जाएं, ये चंगे हो जाएं मेरे पिता, चाहे जितनी भी गंभीर घातक खतरनाक बीमारी क्यों ना मेरे स्वामी, आपके नाम से मेरे पिता वे हील हो जाएं, फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं मेरे पिता आपके नाम से, हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु, पवित्र पवित्र मेरे पिता, जिस प्रकार से मेरे प्रभु आप पवित्र हैं मेरे स्वामी, उसी प्रकार से मेरे प्रभु हम सभी को भी पवित्र बनाइए मेरे पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके मेरे पिता, क्योंकि पिता जहां पर आप रहते हैं मेरे प्रभु वह जगह पवित्र है मेरे स्वामी, वहां सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे पिता, इसलिए आपने कहा है जो तुमने पाप किए हैं चाहे जहाँ भी छुपकर पाप किया है उन पापों को मेरे सामने मानो, अंगीकार को उन्हें छोड़ो मेरे पिता, आपने कहा है मेरे प्रभु मेरे पिता हम सभी के गुनाहों को माफ़ करें मेरे पिता, हम सभी मानो जाते हैं पिता, हम सभी मसीह भाई पिता अपने गुनाहों को मानते हैं मेरे पिता कि हमने पाप किया है मेरे पिता, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें यीशु पापा, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता, होने दे मेरे स्वामी हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु, मेरे पिता उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जिन भाई बहनों की शादियाँ नहीं होती मेरे पिता, जो शादियों को लेकर टूट चुके मेरे प्रभु, मेरे पिता कोई रिश्ता नहीं आ रहा मेरे पिता, जो भी रुकावटों के बंधन लगे हैं मेरे स्वामी आपके नाम से पिता, वे टूट जाएँ, खंडित हो जाएँ, विफल हो जाएँ, मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु, मेरे पिता वही धब्ध ताक झाक में ना लग रही नहीं पाए मेरे प्रभु, इन्हें शैतान फाड़ना नोचना चाहता है मेरे प्रभु, शैतान तो गर्जन वाले सिंह के समान मेरे पिता इसी खोज में रहता है मेरे प्रभु, किसको फाड़ नोच है मेरे पिता, वह इसी खोज में रहता है मेरे प्रभु, वह भेड़िया है भेड़िया फाड़ने वाला मेरे स्वामी, मेरे पिता आप पिता शैतान की युक्ति योजनाओं से बचा कर रखिए पिता, आप छिपा कर रखिए मेरे प्रभु, पिता महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता जो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे प्रभु और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता जो लड़ाई झगड़ा बंद होता है मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए इस मसीह आपके नाम से, वो घर आजाद हो जाए मेरे पिता, जिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे स्वामी आपके सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़े बंद हो जाए आपके नाम से मेरे पिता, बंद हो जाए पवित्र आत्मा जी, ने छू लीजिए पवित्र आत्मा, जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हाथ फैलावे घुटने टेक कर मेरे पिता, हर एक जिन को छू लीजिए, यू टच भी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए इस मसीह अपनी सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रभु, पिता जो गरीब है जो लाचार है मेरे पिता, जो कमाने ले नहीं है मेरे पिता, मेरे प्रभु जो नहीं कमाने ले मेरे पिता उनके हाथ कमाने ले बना दीजिए मेरे स्वामी, जो गरीब अपनी गरीबी में लिप्त है मेरे पिता, जो रो रहे हैं बिलख रहे हैं चिल्ला रहे हैं टूट चुके हैं पिता अपनी बीमारियों को लेकर अपनी गरीबी को लेकर पिता अपने कर्ज को लेकर मेरे पिता, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए मेरे पिता, आप महान हैं आप दयालु हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, मेरे पिता आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से पुकारते मेरे प्रभु, मेरे पिता इनके घरों के प्रयासी से उंडेल दीजिए प्रभु, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे प्रभु, वे स्वर्ग के झरोखे खुल जाए इस मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु, मेरे पिता ये बहुतेरी जातियों को उधार देने लिए बन सके मेरे प्रभु, इनके हाथ मांगने नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने लिए बना दीजिए मेरे स्वामी यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता भय लगता गंदे सपने ख्याल विचार आते मेरे प्रभु, मेरे पिता जब भी लेटे मेरे पिता तब नहीं सुख की नींद आने पाए मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, आपने कहा अपने वचन के माध्यम से मेरे प्रभु, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब जो सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भय से न डरना मेरे प्रभु, आपने कहा है मेरे पिता, पिता इस वचन के द्वारा मेरे पिता हर एक जनों के पिता सहायता करें मदद करें मेरे पिता,
पिता मुझे आशा विश्वास है मेरे प्रभु अपनी प्रार्थना को सुना मेरे पिता, ये छोटी सी बिंदी उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनिए और कबूल करेगा। आमीन आमीन।